कितना कमा लेते हो दिन भर में? दिन भर में जो भी हमारे चल रहा है। अपना कारोबार रहा तो ऊपर नीचे रहता, मगर एस्टिमेटली डेली का कितना, मतलब 12 घंटा 13 घंटा कितनी तनख्वाह है? तुम यहाँ क्या काम करते? होटल में काम करते। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? तो माल मटेरियल निकाल के क्या बच जाता है इस पे? Hello my YouTube family, welcome to my YouTube channel Azahin Vlogs। तो भाई देखो ये चैनल पे अब मैं, ये दूसरा वीडियो है मेरा, दूसरा व्लॉग है, तो ये मैं थोड़ा अलग करने वाला हूँ। जो कि भाई कहते लोग कि भाई औरत की एज नहीं पूछना, मतलब लड़की की एज नहीं पूछना और मर्द की तनख्वाह नहीं पूछना, लेकिन अपन एक रूल ब्रेक करने वाले हैं इसमें, मर्द की तनख्वाह पूछने वाले हैं। जो कि आप लोगों को मालूम होगा कि भाई बाहर काम करने वाले कितना कमा रहे हैं, जैसे कि रेडी वाले या केले वाले या ऑटो वाले, रिक्शे वाला, रेडी वाला, केली वाला, दुकानदार, काम धंधे वाला, बिजनेस वाला, ये वाला, वो वाला, कैब वाले, या फिर कोई भी जो बाहर ऐसे रोड पे लगा के रखते हैं, होटल वाले, वेटर, जो भी, मतलब पूरे जॉब जितने भी हैदराबाद में मिलते मेरे को दिन भर में, फिर तो मैं और सबसे पूछ पूछ के आप लोगों को बतलाते रहता हूँ मैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद भाई समझ में आ जाएगा कि भाई हैदराबाद में कितना कमा रहे लोग हैं, यहाँ के हैदराबाद के लोग, इंडिया हैदराबाद के लोग, और भाई मतलब ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जो है कि ऐसी जो है कि तनख्वाहें हैं, अलग 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 काम की अलग अलग तनख्वाह है, पर्सनल बिजनेस जो कर रहा वो कितना कमा रहा, तो पूरी चीज़ें इसमें ये वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो आप लोग का भाई प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा भाई प्लीज़, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और अगर आप लोग का ये चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और पुराने भी है अगर नहीं करके रखे तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। और उस्ताद खैरियत, क्या कर रहे, अड़ रहे हैं? अभी अभी लगाए। क्या होता है भाई तनख्वाह का, क्या है इसमें किस्सा, कितना बच जाता? तनख्वाह जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से रहता। ये अपना है ना भैया, होटल वालों का है तो अपना ही से। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो माल मटेरियल निकाल के क्या बच जाता है इस पे? 1500 रुपये बच जाते हैं, मतलब माल मटेरियल बोले तो 20 किलो चिकन लगाए, फिर जगह का किराया देना, मशीन का, गैस का, चूल्हे का, सब निकाल के, मेहनत का निकाल के, हाँ 1500 बचते। कितने घंटे लगाते? 12 बजे चालू होता, 12 बजे चालू होता, रात के जब तक खत्म हो जाए 9-10 बजे खत्म। चलो अच्छा है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आप लोग क्या काम करते हो इधर? अच्छा अच्छा, कितने घंटे काम? 12 घंटे। कितनी तनख्वाह मिलेंगी? हाँ 12,000 महीने का है। अच्छा 12 घंटे ड्यूटी, 12,000 रुपये। तुम यहाँ क्या काम करते? होटल में काम करते। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? कितनी तनख्वाह है? 450 रुपये। कितने घंटे काम करते? 12 घंटे 450। अरे बाप, कितनी तनख्वाह मिलेंगी? एक्सपीरियंस के हिसाब से। अरे कंप्यूटर पे तो मैं भी काम किया हूँ मेरे भाई, कंप्यूटर तो मैं भी चला लूँगा। अच्छा कंप्यूटर खरीदा? हाँ, पैक करना है यहाँ पे, पैकिंग का। होटल लाइन में थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। होटल लाइन का? हाँ, मैं 8 साल काम किया होटल लाइन में। किचन का काम मालूम? किचन का काम नहीं, पूरा कैसे सर्विस करना है, कैसे देना है, कैसे पैकिंग करना है, सब मालूम है मेरे को। कितनी तनख्वाह मिलेंगी अभी अभी? अच्छा आपको कितनी मिल रही है इधर काम करने के लिए? 550 डेली का। कितने घंटे काम करते? 11 घंटे। खाना वाना मिलता है? हम लोगों को भी मिलेगा खाना, सही है। कितने घंटे काम करते हैं आप? 5 बजे सुबह, 5 बजे, हाँ, फिर 4 बजे तक शाम के, 12 घंटा 13 घंटा। कितनी तनख्वाह है? 12,000 400 रुपये। और कुछ टिपा वा भी होते होंगे? 100 रुपये मिल जाते, शुक्रिया। बंडी अपनी छे, मतलब
तनखा पे है या खुद का है ऐसा? अपना ही छे रहता। मतलब अपना कारोबार रहा तो वो तो ऊपर, अपना कारोबार रहा तो ऊपर नीचे रहता, मगर एस्टिमेटली डेली का कितना मतलब 800-900-700 बचते सामान का निकाले बाद? हाँ हाँ। और जैसा बहुत लोग बोल रहे हैं कि बंडी अपनी नहीं है, अपन तनख्वाह पे है, तो उन लोगों को क्या तनख्वाह मिलती? 400-500 रुपए ऐसा रहता। कितने घंटे लगाते बंडी? जब खत्म हुआ चले आते फिर भी 8 घंटे 10 घंटे 11 बजे। हाँ, 10 बजे 11 बजे तक। ठीक है, चलो शुक्रिया। कैमरा मतलब यूट्यूब पे है क्या? हाँ, यूट्यूब है मेरा। और भाई खैरियत? छोटी चीज़ पूछनी थी, बहुत देख रूँ मैं, मतलब रहते ऐसा 49 रुपीज़ में गिलास बेचने वाले सड़कों पे, बहुत देखते हूँ मैं, मगर मालूम करना था कि कितना कमा ले रहे हैं आप लोग। कमाना देखो भाई, कमाई इस पे कैसा रहता बोले तो 30-40% मार्जिन रहता। अब समझो ये ग्लास लगा रहे हैं आप, कवर बेच रहे हैं, आपको नहीं तो माल बहुत कम है, तो ग्लास डैमेज ज़्यादा होता। ग्लास हर ग्लास चक्कर से थोड़ी ना ले। हाँ हाँ, कहाँ से लाते? बेगम बाजार से। तो कितना कमा ले रहे हैं डेली? ले रहे बोले तो अब कितने ट्रिप करे उतना पैसा आता। हाँ, दो ट्रिप करके घर पे बैठे तो पैसा आता। पेट्रोल का निकालना रहता उसमें से, ऐसा रहता ग्लास। तो माल का निकाले बाद मतलब हाथ को कितना आता बचता? 500 आता 800 आता। हाँ वैसा 300-400 के, फिर भी एस्टिमेटली 800 ले लो। बैठे तो 500 हुआ ग्राहक, ग्राहक 500। सामान का निकाले बाद मिनिमम 2-2.5 हज़ार का ग्राहक हुआ तो फायदा है। यहाँ पे लगाते तो कोई बोलता नहीं है ट्रैफिक वाला या कुछ भी? ऐसा बोलते हैं वो लोग? जैसे ऐसा रोड साइड लगाया तो कोई कुछ बोलता नहीं है? एक्चुअली मेरे से कोई नहीं बोलता, यहाँ ट्रैफिक वालों का कोई एरिया नहीं है। हाँ, यहाँ पे एरिया है आर्मी वालों का। वाले बहुत अच्छे हैं। वो तो अच्छे है ही अपनी इंडिया में, जिससे गरीब लोगों को सताते। हाँ, आर्मी वाले नक्को ऐसे करते। ठीक है, सही है। कितना कमा लेते हो दिन भर में? दिन भर में जो भी हमारे तरफ रोटी चल रहा है। फिर भी एक अंदाजा बता दो। अंदाजा करते 1000 रुपये तक बचता है ना माल बेचने के बाद? 800-900 हज़ार। कितने घंटे कितने घंटे लगाते हो? सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। अच्छा, 9 घंटे 8 घंटे लगाते हो। अच्छा ठीक है। बेल्ट वेल्ट भी तुम्हारा ही है? बेल्ट भी तुम ही बेच रहे हो? कहाँ से लाते हो माल? ये बेगम बाजार से लेके आते। ठीक है, मैं वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा। अच्छी बात है, बहुत दिन में देखा ना मेरे को। और चिच्चा खैरियत? कैसे? अच्छे है। कैसा चल रहा काम? हम चल रहा भार लगा रहे थे। कितने हो जाते दिन भर में? 700-800 रुपये होते। मेहनत बहुत है? नहीं मेहनत बहुत है, घूमना पड़ता है। हालत ठुप्पा हो जा रही, पूरा घूमना पड़ता है ले लेके साइकिल पे। एक वेटर का कितना है? 14-15 सीनियर वाले को। और एक्सपीरियंस मतलब मान लो कि मतलब नॉर्मल एक्सपीरियंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी काम मतलब नहीं, मतलब कभी काम नहीं किया है तो वेटर का रहना खाना फ्री मिलेगा। रहना खाना फ्री रहेगा। और जो हाउस कीपिंग वाले रहते, क्लीनिंग वाले, उनका अलग कॉन्ट्रैक्ट कितना रहता उन लोगों का? उन लोगों का अलग है, उन लोगों का भी मतलब 12,000 से कम नहीं रहता होगा। 8 घंटे उन लोगों का, 8 घंटे का, फिर भी 12,000 से कम नहीं है। रहना खाना फ्री 9-10 हज़ार बस। कैप्टन का कितना है? आप कैप्टन हो, आपका कितना है? 22,000 है आपका, मतलब आप एक्सपीरियंस वाले होंगे ना। अगर समझो मैं एक्सपीरियंस वाला बाहर से आया, मैं यहाँ पे कैप्टन की जॉब के लिए अप्लाई करा तो कितना मिलेगा? सेम 22,000 UBQ में, मतलब अच्छे रेस्टोरेंट के हिसाब से। जैसे हैदराबाद में बहुत से रेस्टोरेंट है ना, कोई बहुत मेसी रहता है रेस्टोरेंट, कोई बहुत पीसफुल रहता, जैसे ओरिज है, ये सब ओरिज वगैरह सब सेम एक मतलब इसमें आ रहा, लेवल में आ रहा। उससे ऊपर गए तो फिर आपको बड़े रेस्टोरेंट मिल गए, जैसे उससे बड़ा जैसे 3-5 स्टार हो गया, तो ताज कृष्णा, ताज बन जा रहा उसमें।
अब इससे नीचे आया तो जैसे मेसी रहता, बहुत कंजेस्टेड रहता रेस्टोरेंट, दबा के चलने वाला शागोस, ग्रैंड, ये सब रेस्टोरेंट जो है हैदराबादी रेस्टोरेंट। नॉर्मली फिर भी सारे वेटर का उतना ही रहता, वेटर का उतना ही रहता। कितना? 20,000 से कम ही रहता, कम ही रहता। टिप अलग आता होगा। ये थे जो है कि अपने हैदराबाद में सबसे कम कमाने वाले, जो मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे वाले हैं। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इतना ही कमा रहे हैं, और भी अच्छे लोग कमाने वाले हैं, लाखों में करोड़ों में कमाने वाले हैं, मगर ये सबसे कम कमाने वाले जो लोग हैं 400, 500, 600, 800, 1000, जिसका खुद का कुछ कर ले रहे हैं, वो सामान का मटेरियल का निकाले बाद 2000 बच रहे हैं, 1500 बच रहे हैं, तो मतलब ये सबसे कम कमाने वाले। उसके बाद फिर नौकरी वाले आते, सरकारी नौकरी वाले आते, फिर भाई आईटी कंपनी वाले आते भाई। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया, ऐसे टाइप के व्लॉग चाहिए ये चैनल पे, तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताओ और लाइक करो भाई प्लीज़। और अगर ये वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए, जैसे कि कैब वाले कितना कमा रहे हैं, ऑटो वाले कितना कमा रहे हैं, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि मैं बतलाता हूँ मैं, तो अगर आप लोगों को चाहिए तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और भाई प्लीज़ मेक श्योर लाइक करो, शेयर करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो भाई प्लीज। तो चलिए फिर ये वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में या अगले वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए भाई। जय हिंद, खुदा हाफिज, मा सलाम। भाई 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 एक छोटी चीज पूछनी थी भाई, भाई भाई बताओ ना भाई, आपकी तनख्वाह क्या है यहाँ पे काम कर रहे आप? 50,000। मजाक नहीं थी, देखो सही बताओ कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पे? 6 घंटे। उल्टे उल्टे बातें कर रहे क्या यार? कितने घंटे काम करते? 10 घंटे। 10 घंटे? मैं देखता हूँ तुम्हारा को रात के 1 बजे तक रहते तुम 12 बजे से। 12 से 12 ड्यूटी है। हाँ, 3 घंटे रेस्ट है। अच्छा, रेस्ट भी है उसमें, तो मतलब 10 घंटे की ड्यूटी है। कितने तनख्वाह है? 900।